नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्कार दोस्तों, जुबिलेंट फार्मोवा की क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों को बहुत उम्मीद है कि इस बार शायद कुछ रिवाइवल देखने को मिले, तो वो हुआ है कि नहीं, यही कब इसी चीज़ का पता हम इस बार के रिजल्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक क्विक नंबर्स होंगे, ये स्टैंड अलोन की बजाय ना हम चलते हैं दोस्तों इस बार इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स को देखने के लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये लैक में डी नंबर्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले सेल्स एंड इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1660 करोड़ रुपीज़ का आप कह सकते हैं रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 1533 करोड़ रुपीज़ का रहा है, और एक साल पहले दोस्तों 1514 करोड़ का नंबर था। ठीक है, बात करें अदर ऑपरेटिंग इनकम की, तो इस बार 17.13 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 19.29 करोड़ था और एक साल पहले 13.909 करोड़। ठीक है, और जब हम इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों, तो जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आता है वो है 1678 करोड़, और एक क्वार्टर पहले ये 1552.51 करोड़, और एक साल पहले आप देखेंगे तो 1527.53 करोड़। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू आपके लिए ऑपरेशनल फ्रंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करें अदर इनकम की, तो ये इस बार दोस्तों नेग्लिजिबल टाइप की रहती हैं, और हम सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल इनकम आपको इस बार दिखेगी वह 1682.45 करोड़। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 1561 करोड़ थी और एक साल पहले 1524.57 करोड़ थी। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है, लेकिन देखिए ये कोई इस तरह की बढ़ोतरी नहीं है, या आप कह सकते ऐसा जंप नहीं है जिसके कारण पूरा रिजल्ट पलट जाए। हाँ, बढ़ोतरी हुई है, स्टॉक पहले गिरा हुआ है, तो हमको ये देखना पड़ेगा क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ी है या अच्छी की है। तो देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल में देखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस बार कितना आया है, तो 442.35 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में ये 410 करोड़ था, तो यहाँ से आपको जंप देखने को मिलेगा। एक साल पहले ये मात्र 358 करोड़ था, तो भाई ईयर ऑन ईयर मटेरियल के जंप पे जंप है, लेकिन याद रखिएगा आपका धंधा भी बढ़ा है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो कोई निगेटिव नहीं है। परचेज ऑफ कह लीजिए इन्वेंट्रीज की जब बात करें तो 37.4 का नेगेटिव है, जो पिछले क्वार्टर में 13.5 करोड़ से ज़्यादा का पॉजिटिव था, और एक साल पहले आप देखेंगे तो ये 4.45 करोड़ था। एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस देखेंगे तो ये 534.30 था, 534 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 567.94 ऑलमोस्ट 568 करोड़ था, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 510.37 करोड़ था। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस 394.71 करोड़, आप कह सकते हैं 395 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में ये 360.62 करोड़ था और एक साल पहले ये 355.05 करोड़ था। और आप इन सब को जोड़ लीजिए तो जो टोटल खर्चा निकल के आता है दोस्तों वो है 1785.57 करोड़, तो ये तो भाई साहब आपके इनकम से भी ज़्यादा है, तो ये तो कंपनी को लॉस हो गया। और एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे तो 1551 करोड़ था, और एक साल पहले ये 1420 करोड़ था। आप देखिए तो कंपनी को इस बार लॉस हुआ है कितने करोड़ का, 103 करोड़ का लॉस। जी हाँ दोस्तों, 103 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर में ये पॉजिटिव 10 करोड़ था और एक साल पहले ये प्रॉफिट में 104 करोड़ थी। तो दोस्तों ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है निवेशकों को। ठीक है, निवेशकों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। और आप नीचे देखेंगे तो जब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देखेंगे यहाँ पर, तो कंपनी को 134.59 करोड़ का लॉस हुआ है, और इसका असर इसके EPS में भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे आप देखें यहाँ पे, तो EPS आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी 2 बार से नेगेटिव थी दोस्तों, और इस बार ये बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा निवेशकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। कल आप देखेंगे तो एक बड़ी और भयंकर गिरावट आपको यहाँ होते हुए दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं भाई कौन सा वो सेगमेंट है जो बुरी कदर आप कह सकते हैं गिरावट दिखाए। तो देखिए रेडियो फार्मा देखेंगे तो जहाँ पिछले क्वार्टर में ये दोस्तों
613 करोड़ थी, यहाँ पे बढ़कर के 689 करोड़ हो गई है। यानी रेडियो फार्मा में आपको मजबूती देखने को मिली है और साल दर साल में भी है, बड़ी मजबूती है। एलर्जी इम्यूनोथेरेपी देखेंगे तो एक क्वार्टर पहले 147 था, ये बढ़ करके ऑलमोस्ट 170 करोड़ हो गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? देखिए स्टेरॉइड इंजेक्टेबल्स में भी आपको फ़ायदा ही देखने को मिला है क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। प्रॉब्लम आई है आपके जेनरिक्स में, 224.28 से घट करके ये लगभग 200 करोड़ हो गया है और साल दर साल में भी ये गिरावट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये बहुत बड़ी गिरावट है। यानी मोर ऑर लेस आप देखेंगे तो जेनरिक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो कल का दिन स्टॉक के लिए मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा, एक भयंकर एक बड़े रूप से आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। और मुझे पर्सनली लगता है, अभी मैं इस पर पूरी तरह से नहीं देखा है, इस पर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं मेंबरशिप में लेके आऊँगा, क्योंकि इस स्टॉक पे बात करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।